इस वाली वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं रियलमी के न्यू अपकमिंग अपडेट के बारे में, जिसका वर्जन है 6.0.1। हालांकि इसके ऊपर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जो है बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ, इस पे जो है बहुत पहले ही वीडियो बन गई थी और आपको जो है 6.0.1 का सब कुछ चेंज लोग पता चल भी गया होगा। लेकिन इस वीडियो में जो है हम सब कुछ कवर कर लेंगे 6.0.1 के अगेंस्ट, जितना कुछ मुझे पता चला है वो सब कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। देन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है हम हमारे चैनल पे डेली अपलोड करते रहते ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 6.0.1 वाला अपडेट सभी के फोन्स में आने के लिए लगभग 1.5 से 1 महीना लग जाएगा भाई, क्योंकि फिलहाल जो ये अपडेट है वो रियलमी 5 और रियलमी 3 प्रो के लिए जो है रोल आउट होना शुरू हो गया है। आपको रियलमी 5 में जो है आउट ऑफ बॉक्स मिलता है ये वाला अपडेट, लेकिन रियलमी 3 प्रो के लिए जो है मतलब कल से जो है रोल आउट होना शुरू हो चुका है ये वाला अपडेट 6.0.1 वाला। अब जो बचे हुए फोन्स है रियलमी के उनके भी फोन्स में जो है जल्दी से ये अपडेट आने लग जाएगा। हो सकता है कि अगले मंथ में जो आपको अपडेट मिलता है सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ, उसी के साथ साथ जो है आपको 6.0.1 का भी अपडेट मिल जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन फिलहाल कोई तगड़ी नहीं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करके रख दो। अगर इसके अगेंस्ट मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं जो है आपको जल्दी से वीडियो बना के दे दूंगा। तो इस अपडेट के बारे में जो है कुछ मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, क्या क्या जो है इसमें चेंजेस किए गए वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो किया गया आपके लॉक स्क्रीन में। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको दिखेगा कि रिस्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर जो है एक नया फंक्शन ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है सिक्योर लॉक। और ये जो सिक्योर लॉक काम करता है क्लोज फिंगरप्रिंट पासवर्ड एंड फेस पासकोड, तो इस पे जो है ये काम करता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है भाई, जब तक ये अपडेट अपने फोन में नहीं आ जाता तब तक जो है मैं ज्यादा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। जैसे ही ये अपडेट मिल जाता है वैसे ही जो है इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करें। जो सेकंड चेंजेस किया गया है वो किया गया है नोटिफिकेशन पैनल में। अगर आप कलर ओएस 6 का नोटिफिकेशन देखोगे, देन अगर आप उसी के साथ साथ 6.0.1 का नोटिफिकेशन पैनल देखोगे तो आपको जो है बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो भी कलर ओएस 6 में टॉगल्स थे वो थोड़े से बड़े थे, लेकिन उसमें जो 6.0.1 में जो है टॉगल्स थोड़े छोटे कर दिए गए हैं, लेकिन कलर्स जो है वो जो आपको कलर्स मिलते थे वो एज इट इज सेम वही आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग थोड़ा बहुत जो है फ्रेम चेंज कर दिया गया है, लेकिन बाकी के जो फीचर्स है जो एज इट इज वैसे के वैसे ही आपको देखने को मिल जाते। इससे जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था, मतलब इसे जो है थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा तरीके से जो है डिजाइन करना चाहिए था। वो रियलमी जो है इसमें डार्क मोड या फिर कुछ अलग टाइप का जो है नोटिफिकेशन पैनल दे सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, वही सेम एज इट इज वैसा का वैसा फ्रेम दे दिया और जो टॉगल्स है उन्हें जो है थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ तो चेंजेस किए गए हैं तो ये एक अच्छी बात है, इसके लिए जो है रियलमी को एक थम्स अप देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन जो लास्ट चेंजेस किए गए हैं वो किया गया है आपकी होम स्क्रीन के रिगार्डिंग। अगर आप 6.0.1 का होम स्क्रीन देखोगे तो उसमें जो है लगभग थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गया है। जो आइकॉन्स है उन्हें भी जो है हो सकता है कि चेंज कर दिया जाए 6.0.1 में। फिलहाल जो है ये अपडेट नहीं आया तो उसके बारे में जो है कुछ अच्छी डिटेल्स नहीं मिली है, लेकिन भाई उम्मीद रख सकते हो आपकी 6.0.1 में जो है आपको आइकॉन्स जो है वो चेंज किए जाएंगे। देन उसके बाद जो है आपको ऐप ड्रावर भी जो है व्हाइट शेप में देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको जो है ऐप ड्रावर में भी जो है एक नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद जो क्लॉक का सेक्शन है वो भी जो है लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। फिलहाल इसके रिगार्डिंग ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना कुछ भी मुझे पता चला था जिस सोर्स से मुझे पता चला था वो जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको जो है सब कुछ डिटेल पता चल गई होंगी कि 6.0.1 में जो है आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, गुड डे, टेक केयर।